हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के रहने वाली एक 13 वर्षीय लड़की ने बच्चे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि 8 माह पूर्व 35 वर्षीय आरोपी ने डरा धमका कर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग के पेट में दर्द होने पर परिजन उसे सुशीला तिवाड़ी अस्पताल ले गए तो तब नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के पैदा होने के बाद मामले की जानकारी परिजनों को लगी। पूछताछ में पता चला कि उसके साथ 8 महीने पहले दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद पीड़िता के भाई ने बनभूलपुरा थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। मंगलवार को नाबालिग के पेट में दर्द होने पर परिजन उसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने नाबालिग को गर्भवती होने की जानकारी दी, जिसके बाद प्रसव पीड़ा होने पर नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस के मुताबिक परिवार के लोगों ने जब पीड़िता से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो जब लगभग 8 माह पूर्व नूरी मस्जिद इंदिरानगर थाना बनभूलपुरा हल्द्वानी के पास रहते थे तो वहाँ पर रहने वाले तजम्मूल पुत्र अज्ञात ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज भाकुनी ने बताया कि मामला दर्ज करते हुए इस दुष्कर्म की घटना में शामिल अभियुक्त 38 वर्षीय तजम्मूल उर्फ नन्नू निवासी उत्तर प्रदेश हाल निवासी नूरी मस्जिद को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने घटना को कबूल किया है। उन्होंने बताया कि आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये यूट्यूब चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।